हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आजकल आप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से हमारे पास में इस समय बेटर ऑप्शंस हैं। इस प्रकार के ना जाने कितने सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों के जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं, सबका आपको उत्तर मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी गेन, मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर, आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है और दोस्तों क्या क्या हमारे यहां पर बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड प्लान है जिसको हम लोग एक तरह का इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई एक नहीं, कई सारे लोग मिलकर, कई सारे एक साथ लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 या इससे भी ज़्यादा लोग मिलकर अपना अफोर्डेबल अमाउंट लगाते हैं, जिसके बाद में फंड मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा, जिसे हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी बोलते हैं, वो एक अच्छे तरीके से एक स्मार्टली कलेक्ट करके सभी से पैसा और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके, प्रोफेशनली मैनेज करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कम्योडिटीज़ में या और बहुत सारी अदर सिक्योरिटीज़ है, उसमें पैसा को लगा दिया जाता है। दोस्तों ये एक तरह का कह सकते हैं बास्केट ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट है, जहां पर हम सभी लोग अपना पैसा लगाते हैं, उसके बाद कंपनी उसको स्मार्टली मैनेज करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देती है। एक तरह का हम लोग इसको कह सकते हैं कंबाइंड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेट्स, रियल एस्टेट एंड अदर सिक्योरिटीज एंड कम्योडिटीज़। इस प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो कहीं एक जगह नहीं लगता, वो कई सारी जगह पर उसको लगाया जाता है। दोस्तों अगर आप कंप्लीटली म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तभी आप कंप्लीटली म्यूचुअल फंड को जान पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप खुद अपने आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी डीमैट अकाउंट के माध्यम से, जैसे आपने किसी भी कंपनी का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और उसके बाद में आपने उसमें अपने हिसाब से पैसा लगाना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप लोग किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, जो कि मार्केट का जानकार हो, जो एडवाइजर हो, उसके माध्यम से आप लोग पैसा लगाएं, उनको अपना पैसा दे दें, वो आपके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर जितना जैसे चाहे वो अपने आप उसको पैसे को डिवाइड करेगा और पैसा लगाएगा। तो दोस्तों जो दूसरा तरीका होता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। जब आप लोग अपना पैसा कुछ कंपनीज को दे देते हैं, जो कंपनीज अपने हिसाब से और अपने दिमाग को यूज करके अपने मैनेजमेंट के हिसाब से पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरीके को दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर आप लोग डायरेक्ट पैसा लगाना चाहते हैं और आपको अगर थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट भी पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप लोग म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में समझिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप सभी लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों मेनली म्यूचुअल फंड 5 प्रकार का होता है, इसकी 5 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। पहला दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जब भी जो भी पैसा आपसे कलेक्ट किया जाता है, आप जैसे हजारों लोगों से कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इक्विटीज में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यह करा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा, वो प्रोफेशनली उसको मैनेज करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती हैं। जो भी पैसा आपका इक्विटीज में लगता है उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड बोला जाता है। दूसरा तरीका है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, जो भी आप लोगों ने पैसा कंपनीज को दिया है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को जब डेट्स के लिए दे दिया जाता है, बैंकों को दे दिया जाता है लोन देने के लिए, उसे डेट म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तो बहुत सारा पैसा आपका डेट म्यूचुअल फंड में भी लगाया जाता है। ये दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। तीसरा है दोस्तों, उसे बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है तीन तरह का दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक साथ मिलाकर किया जाता है। वो क्या होता है, स्टॉक्स होता है,
स्टॉक्स पर जो पैसा लगाया जाता है, उसके अलावा डेट्स पर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका कमोडिटीज का, जैसे गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट किया जाता है। जब आपका पैसा गोल्ड में, गोल्ड मतलब कमोडिटीज में और डेट्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, उसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आजकल सबसे ज़्यादा फेमस हो गया है, और क्योंकि सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए और आप सभी लोगों को अच्छा रिटर्न देने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये तीनों को मिलाकर बना है। चौथा है दोस्तों, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, जो पैसा आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, आपके बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आप खुद ही सिलेक्शन करते हैं कि आपको अपने आने वाले टाइम में बच्चों की मैरिज के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर उनकी आगे की हायर स्टडी के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हैं तो दोस्तों उसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के तहत किया जाता है। तो दोस्तों चौथा तरीका है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आप सभी लोगों का फ्यूचर लगा होता है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर जो भी कंपनीज हैं, फंड मैनेजमेंट कंपनी है, वो सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से मैनेज करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती हैं। पांचवा तरीका है दोस्तों म्यूचुअल फंड का, इसे बोलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, आपका पैसा ज्यादातर कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, कई सारी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। जब पैसा आपका कई सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करके, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट ना करके सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए, इंडेक्स किसे बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, आपने निफ्टी का नाम सुना होगा और सेंसेक्स का नाम सुना होगा, जब सिर्फ इन दोनों में ही पैसा लगाया जाता है उसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड बोला जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग इंडेक्स में म्यूचुअल फंड के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसे पैसिव फंड भी बोला जाता है, जो भी पैसा आप लोगों का इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये पांच तरीके हैं म्यूचुअल फंड के, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और पांचवा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये पांच तरीके हैं दोस्तों जहां पर आप लोग अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो भी यहां से रिटर्न्स मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जिस मात्रा में और जितना बड़ा आपने अमाउंट लगाया है उस हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज है वो वहां से कमा के देती हैं। यहां पर कोई आपका रिस्क नहीं होता, बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या खास फायदे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ बेनिफिट्स की मैं बात कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या खास फायदे हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला है दोस्तों अफोर्डेबल, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब हो गया जितना आप चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो 100 लगा सकते हैं, 500 है तो 500 लगा सकते हैं, 1000 है तो 1000 लगा सकते हैं। अगर आप मंथली लगाना चाहते हैं तो मंथली लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर जितने का शेयर होता उतने का आपको परचेज करना पड़ता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप लोग डायरेक्ट खुद अपने आप शेयर नहीं खरीदते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग मिलकर, कई सारे लोग पैसा लगाते हैं, फंड मैनेजमेंट कंपनी उसको कलेक्ट करती है, उसके बाद में कलेक्ट करके अफोर्डेबल अमाउंट को कलेक्ट करके कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देती है। तो दोस्तों आप कितना भी अमाउंट आपके पास में है उतना आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल फैसिलिटी मिलती है कि जितना आपके पास में है उतना आप मंथली के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग स्कीम्स होती हैं, कोई 100 की है, कोई 200 की है, कोई 500 की है, दोस्तों आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, और अफोर्डेबल है और आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बेनिफिट है कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। दूसरा है दोस्तों एक्सपर्ट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आपको खुद दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम है जो कि आपके बिहाफ पर स्टॉक्स को पर रिसर्च करती है, उसको समझती है, उसके बाद में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है, और जो भी कंपनीज के मैनेजर्स होते हैं, जैसे फंड मैनेजर बोला जाता है, उसके बाद रिसर्च मैनेजर होते हैं, वो अच्छे से चीज़ों को चेक करते हैं पहले, अगर उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर इसके अलावा डेट्स में करना है या कमोडिटीज में करना है, पहले वो अच्छे से चीज़ों को चेक करते हैं। आपको कोई भी दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, आपका आपकी तरफ से जो भी दिमाग है वो जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स हैं वो लगाते हैं, वो चीज़ों को समझ कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलने ही मिलने, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है वो डिसाइड करती है, वो समझ कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। दूसरा बेनिफिट हो गया एक्सपर्ट मैनेजमेंट का। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है,
कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। दोस्तों जब आपका पैसा या इन्वेस्ट किया जाता है तो किसी एक स्टॉक्स में नहीं किया जाता, कई सारे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। अगर आपने 5,000 लगाए हैं तो 5,000 मान के चलते हैं कि लगभग 10 स्टॉक्स में या 10 अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया गया होगा। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आप सेफ जोन में रहते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स नीचे भी जाता है तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं, तो जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं उसको कवर करने के लिए दूसरे स्टॉक्स में आपका पैसा अगर लगा है तो वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की फैसिलिटी मिलती है। आपका जो पैसा होता है, भले वो 500 रुपये आपने लगाया हो या 1,000 लगाया हो, वो 10-12 स्टॉक्स में अलग अलग जगह पर डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार उसको मैनेज करके अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका पैसा कई जगह लग रहा है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर रिटर्न्स आने की जो संभावना है, बेनिफिट होने की संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तीसरा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। चौथा है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है कि नो हेडेक ऑफ चार्ट व्यू। आपको डेली यहाँ पर खुद डायरेक्ट चार्ट नहीं देखना पड़ता, ये सारा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा मैनेज किया जाता है, उन्हीं के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि उनकी रिसर्च टीम है इस सब को चेक करने के लिए। क्या स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेली के डेली वहाँ पर जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं मार्केट के, उसको ध्यान देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसके हिसाब से अपने पैसों को निकालना और फिर डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, एक बार आपने पैसा लगा दिया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आप देखें तो आप आसानी से वहां पर चीजों को अच्छे से ही आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि सारा जो मैनेजमेंट है वो फंड मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर एक बेनिफिट ये भी हो गया, नो हेडेक ऑफ चार्ट व्यू, डेली चार्ट व्यू को देखने की हेडेक हमारी समाप्त हो जाती है, हम टेंशन फ्री होकर अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है मंथली इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर सिप के जरिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको एक बार में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपनी मंथली ईएमआई बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर ईएमआई बनाकर भी मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक खास बेनिफिट है, जो भी साथी बहुत ज़्यादा एक साथ पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो मंथली पेमेंट कर सकते हैं, तो मंथली पेमेंट करके भी यहाँ पर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का ये भी खास फैसिलिटी में से एक है कि आप मंथली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिप के जरिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ले सकते हैं, फायदा इसका उठा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां देती हैं इसका फायदा, बहुत सारी बैंकें देती हैं। आप लोग सेलेक्ट करिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और किसके साथ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके साथ में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों रहे फायदे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं, कि क्या सब फायदे ही फायदे हैं, क्या इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो दोस्तों अगर ड्रॉबैक जिस चीज़ का नहीं है तो वहाँ पर खतरे से खाली नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करना, तो ड्रॉबैक को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैं बात करना चाहूँगा ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या दोस्तों ड्रॉबैक्स हैं। पहला दोस्तों ड्रॉबैक है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का है, यह है ग्रीड फॉर मनी। जितनी भी कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होल्ड करने की कोशिश करते हैं। उनका कुल मिलाकर टारगेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहते हैं कि आप लोग पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। तो जो ग्रीड है, पहला जो नुकसान है कहीं ना कहीं, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो ग्रीड है फॉर मनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये है, इससे भी आपको बच कर रहना होगा। आप अपने हिसाब से जाएँ, अपने हिसाब से पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल है पैसा इन्वेस्ट करना, तो अपने हिसाब से करें, किसी के कहने के अनुसार ना करें। तो पहला ये ड्रॉबैक से समझ कर रहना है कि यहाँ पर किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा ड्रॉबैक है डिपेंडेंट ऑन पब्लिक। जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती हैं उनके लिए ड्रॉबैक ये है कि ये सारा डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक जब चाहे आपको पैसा वापस लेने के लिए भी कह सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद में टाइम पीरियड पूरा होने पर ही लोग पैसा मांगेंगे। ऐसा भी होता है कि पैसा लोग पहले भी मांगते हैं, और फंड जितने भी मैनेजर्स होते हैं या फंड मैनेजमेंट कंपनी जो होती हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि जब भी पब्लिक पैसा मांगती है, यहाँ पर पैसा अपना वापस लेना चाहती है, उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है, कि सबका लॉस होने वाला है, तो हो सकता है वो पैसा वापस मांग लें। तो ऐसा करने पर जितने भी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड, उनको पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ये भी एक दिक्कत वाली बात है, ड्रॉबैक है कि वो पूरी तरीके से पब्लिक पर डिपेंड रहते हैं। और पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी है कि पब्लिक को अपने हिसाब से वहाँ पर कंट्रोल करने का मौका भी मिल जाता है कि अपना अगर पैसा वापस लेना है तो उसको वापस ले लें। तो ये दोस्तों एक ड्रॉबैक में से एक ड्रॉबैक है।
और नेक्स्ट है दोस्तों कि हाई एक्सपेंस एंड चार्ज जो लगते हैं वहाँ पे, जो आप लोग म्यूचुअल फंड में जब अपना दोस्तों अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद में जो भी पैसा वहाँ पर आप सबमिट करते हैं उस पर काफ़ी एक्सपेंसेस लगते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। मनचाहा भी कुछ कंपनियाँ लगाती हैं, इसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि किस प्रकार आपको पैसा वहाँ पर देना है और ये सारी चीज़ें चेक कर लें, सारे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आप लोग पढ़ लें, फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हाई एक्सपेंस इन कंपनीज के होते हैं तो आप लोगों का भी चार्ज अच्छा खासा कट जाता है। तो देख लें कौन सी कंपनी कम चार्ज काट रही है या फिर कौन सी कंपनी अच्छे वे में चल रही है, उसी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी चेक करना होगा, कहीं ना कहीं हाई एक्सपेंसेस देना भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि रिटर्न्स जब तक अच्छा नहीं आएगा तब तक आप लोग एक्सपेंस भी अगर बियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों ये तीन चार चीज़ें जो कि आपको चेक करनी रहती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज के ड्रॉबैक जानने के बाद में दोस्तों आप जान लेते हैं कि दोस्तों हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बेटर ऑप्शन हैं या फिर कौन कौन से ऐसे बेटर एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की कैटेगरी है, लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। दोस्तों इसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लें, स्टडी कर लें, उसके बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों जो मेरे फेवरेट हैं, कुछ फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं, फेवरेट दोस्तों ऑप्शन हैं जहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड, आप लोग एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा है दोस्तों कोटक ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड दोस्तों लार्ज कैप के एग्जांपल है, यहाँ पर भी दोस्तों अच्छा माना जाता है, जैसे एक्सिस है वैसे दोस्तों कोटक ब्लू चिप फंड है। तीसरा दोस्तों क्वांटम लॉन्ग टर्म फंड, इसमें भी दोस्तों बेटर माना जाता है, आप लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों HSBC लार्ज कैप फंड, ये भी दोस्तों बेटर है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पाँचवा है दोस्तों लार्ज कैप का रिलायंस म्यूचुअल फंड, इसमें भी आप लोग दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पाँच है दोस्तों जो कि लार्ज कैप के हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं और दोस्तों बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, इसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करना चाहूँगा दोस्तों मिड कैप की, मिड कैप में दोस्तों तीन मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। पहला है एक्सिस मिड कैप फंड, ये भी दोस्तों बेटर माना जाता है, इसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी दोस्तों काफ़ी बेटर है मिड कैप में और इसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो लास्ट है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड, दोस्तों ये मिड कैप के में है और इसमें भी आप लोग दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी बेटर माना जाता है। ये कुछ दोस्तों मेरी तरफ से एग्जांपल्स हैं, आप इस पर अच्छे से अपने आप खुद भी रिसर्च कर लें, जान लें इनके बारे में कि किसकी क्या स्कीम है, किस प्रकार आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो भी चीज़ें थोड़ी सी मैं डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों पहले आप अपने स्तर से इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट इसमें करिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। दो तीन बातें हैं जो कि चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पहला है दोस्तों लॉक इन पीरियड, कि दोस्तों जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उसका कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, ये चीज़ जरूर चेक कर लें। ये दोस्तों कुछ टिप हैं तीन जो कि आप लोगों को नोट करने होंगे, अच्छे से पहले समझना होगा कि लॉक इन पीरियड क्या है। दोस्तों जितने भी अच्छे या फिर कह सकते हैं फेमस कह सकते हैं कि फंड हैं दोस्तों, उसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन कुछ के हो भी सकते हैं दोस्तों, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, उसको आप अच्छे से पहले जरूर चेक कर लें कि किसी का लॉक इन पीरियड तो नहीं है। दोस्तों ये चीज़ पहला आपको पॉइंट चेक करना है। दूसरा है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है दोस्तों, जितना आप लोग रिस्क लेने जा रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या होने वाला है, इसको भी आप अच्छा से चेक कर लें कि कितना आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद में कितने बड़े बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, इसकी जो पोटेंशियल है उसको जरूर चेक करें। रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना आपको इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपका कैसा रहेगा, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड, दोस्तों जब आप एंटर कर रहे हैं तो क्या उसका लोड है और जब आप एग्जिट करेंगे तो एग्जिट लोड क्या होगा। दोस्तों एंट्री लोड और एग्जिट लोड, इन दोनों पॉइंट को भी अच्छे से आप लोग जज कर लें, चेक कर लें। दोस्तों इन तीनों पॉइंट को चेक करने के बाद में ही आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद में आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत सारे लोगों की हॉबी है और आने वाले टाइम में वो अपनी लाइफ में तरक्की भी करने वाले हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं। आप लोग भी इन्वेस्टमेंट में जरूर विश्वास रखें, ट्रस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छी हॉबी माना जाता है और आने वाले टाइम में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों जो भी मैंने आज इस वीडियो में बताया आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, कहाँ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, दोस्तों जो मैंने बताया वहाँ करना चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं कि कहाँ आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें माइंड में रखने होंगे, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, फायदेमंद लगी है, कुछ फायदा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा और दोस्तों शेयर बटन भी नीचे दिया गया है, इसको ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मिलने वालों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, सबको जानकारी दीजिए इसके बारे में, ताकि वो लोग भी सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं।
दोस्तों इसके अलावा जितने भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए लोग आए हैं, जितने भी नए लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और दोस्तों मेरे गेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि नीचे रेड कलर का बटन दिया गया सब्सक्राइब बटन, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी, रिलीज होगी, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। और दोस्तों जितने भी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, लास्ट तक देखा, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास हैं, हमारी पूरी टीम के लिए, क्योंकि लास्ट तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आने वाले टाइम में किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी लिखे जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप मैं मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लें, जान लें और अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें और सीखें कि कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। थैंक यू गाइस।